चाहते हैं इस बारे में? देखिए इंदौर शहर कांग्रेस, सिंधिया जी एक क्षमतावान, काबिल और समर्पित कांग्रेस के नेता थे, इसलिए बोल रहा हूँ। कल उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इस्तीफा देने के कारण क्या थे, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। जिस व्यक्ति ने 180 के करीब सभाएं करी हों, जिसकी मेहनत तो जिसके पसीने से मध्य प्रदेश की सरकार बनी हो, क्या कारण है कि 14 महीने की सरकार में वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था? क्या कारण है कि आज भी कांग्रेस का आम कार्यकर्ता अपने आप को सत्ता के करीब नहीं पा रहा है? तो इसका मूल्यांकन तो हुआ नहीं, लेकिन एक सुनियोजित षड्यंत्र की तरह सिंधिया को कमज़ोर करने का काम मध्य प्रदेश में तेज़ी से चला। तो जो व्यक्ति स्वाभिमानी है, जो व्यक्ति आत्मसम्मानी है, जो व्यक्ति जनता का सच्चा सेवक है, तो वो इन हालातों में अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इंदौर से कितने लोग इस्तीफे के? इंदौर में काफ़ी, कम से कम मेरे ख्याल में 100 के करीब तो पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया जो शहर कांग्रेस में थे, और सत्यनारायण पटेल, मोहन सेंगर और कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इस्तीफा दिया। 14 महीने आज कांग्रेस की सरकार को मध्य प्रदेश में हो गए, तो ये बात शुरू से ही निकल के आ रही थी कि सिंधिया जी को पार्टी से उपेक्षित कराया जा रहा है, तो ये बात उन्होंने वरिष्ठ नेता दिल्ली तक, अपने आला जो उनके बड़े नेता हैं उन तक कभी शिकायत करी थी क्या? क्यों नहीं करी होगी। आज मैं हूँ, मैं 13 साल अध्यक्ष रहा, लेकिन मेरे को ईश्वर ने बीमारी दी, मैं फिजिकली अनफिट हो गया, उतना आ नहीं जा पाता हूँ। यदि मैं मेरी बात करूं, तो जो लोग आज सत्ता में हैं वो अपने दिल पे हाथ रख दें कि उन्होंने मेरे को कितना पूछा, वो अपने दिल पे हाथ रख दें कि आज छोटा कार्यकर्ता के कितने काम हुए, क्या आज भी एक भी जेल समिति, योजना समिति, आज भी निगरानी समिति, खास समिति कोई बनी? चंद लोगों के हाथ में सत्ता सिमट गई, चंद लोगों के हाथ में अधिकारी खेलने लग गए, और चंद लोगों के हाथ में वही भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर दरार काम करने लग गए। तो यदि मैं ईमानदार कार्यकर्ता हूँ, मैं ईमानदार अध्यक्ष हूँ, तो मैंने कई मौक़ों पे उस कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ी, तो इसको बगावत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर आदमी यदि अन्याय सहेगा तो सच कौन बोलेगा, कार्यकर्ता की लड़ाई कौन लड़ेगा। हमने प्रयास किया, हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो हमने अपने आप को इस पूरे सिस्टम से अलग कर लिया। आपके जन्मदिन के अवसर पर भी उस महाराज आपके निवास पर आए थे, उस समय इस बारे को लेकर कोई चर्चा हुई थी क्या आपसे? मुझे देखिए, वो इतने बड़े नेता हैं कि हम लोगों से ये बातें नहीं होती हैं, लेकिन ये आपको ही महसूस हो। मध्य प्रदेश की मीडिया जानती है कि आज की सरकार और सरकार बनाने में मेहनत करने वाले लोगों की स्थिति क्या है। जिनने सरकार बनाने की मेहनत करी वो दूर हैं, और जो 13 साल कहीं नजर नहीं आते थे आज वो पिक्चर में मौजूद है। उन हजारों कार्यकर्ताओं का आभार मानता हूँ जिन्होंने मेरे को इतने साल तक कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। आज मैं कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हूँ, कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन वो लोग आज भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, आगे भी रहेंगे। मैं हमेशा दुख में जहाँ रहूँगा कांग्रेस के निष्ठावान लोगों की बात करूँगा। विचारधारा अलग हो सकती है, नीतियाँ अलग हो सकती हैं, लेकिन जिन्होंने मेरे को अपना बन दिया वो जीवन भर मेरे अपने रहेंगे। ये आपके माध्यम से इंदौर शहर के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि सच का साथ दो, अन्याय के साथ लड़ो, और सद्भावना और एकता के साथ देश को आगे बढ़ाओ।